घरों का डिजाइन और साइन तो कोरोना काल में बदल ही गया है, लेकिन घरों की बिक्री इस कहर के आगे औंधे मुंह लड़क गई है। 2020 में देश के बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में घरों की बिक्री 2019 के मुकाबले 50% तक लुढ़क गई है। ऐसे में इस सेक्टर को बजट से बड़ी आस है और इस बार उम्मीद है कि सरकार राहतों का पिटारा खोलकर रियल एस्टेट की हर मुराद पूरी कर सकती है। कुछ ऐसी ही डिमांड इस सेक्टर के दिग्गज भी कर रहे हैं। हम समझते हैं कि हाउसिंग मिनिस्ट्री ने अब रेंटल हाउसिंग और अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग के ऊपर काफी फोकस किया है, तो वित्त मंत्री को भी उनको एक मदद करनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है रेंटल हाउसिंग के ऊपर, जो आज 30% है, उनको 50% कर देना चाहिए। उसका कारण यह है कि आज जो रिटर्न कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर है वो 7-8% है और रिटर्न रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर 1-2% है। फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बजट में रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ा बूस्ट देने की तैयारी है। सरकार बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स समेत कई तरह की राहतें देने का ऐलान कर सकती है। इसके अलावा दिवालिया हो चुके प्रोजेक्ट को भी अलग से राहत देने का ऐलान किया जा सकता है। इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए भी आने वाला बजट बड़ी राहत की खबर लेकर आ सकता है। रियल एस्टेट सेक्टर को स्टैंप ड्यूटी से छूट देने का भी प्रस्ताव है। महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर में स्टैंप ड्यूटी घटने का बड़ा असर देखने को मिला है। अब कैसे ये फायदेमंद फॉर्मूला बाकी राज्यों से लागू कराया जाता है, इस पर बजट में नजर रहेगी। पहली डिमांड जो है वो है सिंगल विंडो क्लियरेंस, दूसरी डिमांड जो है इंडस्ट्री स्टेटस फॉर रियल एस्टेट इंडस्ट्री। अगर हमने इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर के तौर पे देखा जाए या डेवलपर के तौर पे देखा जाए, तो सबसे बड़ा बेनिफिट सिंगल विंडो क्लियरेंस का ये है कि जो प्रोजेक्ट खरीदने के बाद हम लॉन्च करते करते 1.5-2 साल लग जाते हैं, 18-24 महीने लग जाते हैं क्लियरेंस करते करते, अगर वो पीरियड हम लोग 3-4 महीने के अंदर में उसको सिंगल विंडो क्लियरेंस से हासिल कर पाते हैं, तो एक इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत बचत होगी, एडमिशन कॉस्ट बचत होगी और इसका सीधा बेनिफिट जो है कंज्यूमर को मिलेगा। इसके साथ ही कई और डिमांड्स लेकर भी रियल एस्टेट सेक्टर तैयार है। फंसे हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए डेवलपर्स ने बजट में अलग से फंड बनाने की मांग की है। इसके लिए SBI की मौजूदा स्कीम स्वामह की दर्ज पर सरकार से और स्ट्रेस फंड मुहैया कराने की डिमांड है, जिससे सेक्टर नकदी के संकट से उभर सके। इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को बहाल करने और अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में 75 लाख रुपए तक के मकानों को शामिल करने की मांग भी डेवलपर्स कर रहे हैं। इसके साथ ही डेवलपर्स की डिमांड है कि इनकम टैक्स की दरों में कटौती की जाए और घर खरीदारों को ज्यादा इनकम टैक्स छूट दी जाए। स्पेसिफिकली जो रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट है, जो रजिस्ट्री की कॉस्ट है वो कम करनी चाहिए। GST के ऊपर आल्सो दे शैल गिव सम एडिशनल रिबेट कि रेदर देन 18% GST दे शैल बी चार्जिंग 12% फॉर ए पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर, सो दैट कि जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हो सके बिल्डर के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, एंड इवन जब रजिस्ट्री की कॉस्ट कम की जाएगी उससे भी कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। उम्मीद है कि सरकार इस बार रियल एस्टेट की लंबे समय से अटकी सिंगल विंडो क्लियरेंस और इंडस्ट्री स्टेटस जैसे डिमांड्स पर भी गौर फरमाएगी। साथ ही GST, TDS जैसे टैक्स के मुद्दों को भी इस बार सुलझाया जाएगा।